मौसम समाचार में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मौसम की लेटेस्ट जानकारी पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। आपको बता दें, मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में बरस रहे बादल। जानिए मौसम का हाल। दिल्ली, नोएडा और आसपास के इलाकों में मंगलवार सुबह अचानक मौसम ने करवट ले ली। देखते ही देखते बारिश की फुहारों से दिल्ली NCR और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्र भीग गए। झमाझम बारिश से पारा अचानक नीचे गिर पड़ा है और लोगों को गर्मी से राहत मिली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दिल्ली NCR समेत उत्तर भारत में मॉनसून का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। विभाग ने बताया कि झारखंड, बिहार और उत्तर पूर्व देश में और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में मॉनसून आगे बढ़ रहा है। अनुमान जताया जा रहा है कि अगले 5 दिनों में पश्चिमी तट पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा उत्तर पश्चिम और पूर्वी भारत के राज्यों में भी तेज बारिश के साथ आंधी तूफान की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने पहले अंदाजा लगाया था कि दिल्ली में मॉनसून सामान्य तिथि से 2 दिन पहले यानी 25 जून तक पहुंचेगा। हालांकि अब यह अपने सामान्य समय पर राजधानी से टकराएगा। IMD के मुताबिक मॉनसून 27 जून तक आसपास दिल्ली पहुंचेगा। वैज्ञानिकों ने बताया, दिल्ली में फिलहाल प्री मॉनसूनी गतिविधियां बनी हुई हैं। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही उम्मीद जताई थी कि दिल्ली में मंगलवार को हल्की बारिश होनी है। हालांकि बुधवार को एक बार फिर पारा चढ़ने की संभावना है। इससे लोगों को एक बार फिर गर्मी से परेशानी झेलनी पड़ सकती है। महाराष्ट्र में ऑरेंज अलर्ट जारी। महाराष्ट्र के भी कई हिस्सों में भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। मुंबई में पिछले 2 दिनों से मॉनसून सक्रिय है और रुक कर बारिश हो रही है। मुंबई में रविवार को सीजन की पहली भारी बारिश हुई थी। वहीं सोमवार को भी शहर में मूसलाधार बरसात हुई। मौसम विभाग के मुताबिक मंगलवार 21 जून यानी आज भी मुंबई में भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को मुंबई और ठाणे में 21 जून तक बहुत भारी बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों को सावधानी से घर से बाहर निकलने की सलाह दी गई है। इन राज्यों में आज होगी भारी बारिश। स्काईमेट वेदर के मुताबिक आज असम के पश्चिमी हिस्सों, सिक्किम, उपमालय, पश्चिम बंगाल, केरल के कुछ हिस्सों, तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा सहित मुंबई, दक्षिण गुजरात, पूर्व राजस्थान के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण ओडिशा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में बारिश की संभावना है। पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों, तमिलनाडु, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के बाकी हिस्सों, आंतरिक ओडिशा, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, उत्तर पश्चिम और पूर्वी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। मॉनसून ने पकड़ी रफ्तार। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्व पश्चिम ट्रफ रेखा राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर पश्चिम बंगाल और असम तक फैली हुई है। और वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु तट से दूर दक्षिण पश्चिम बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना हुआ है। एक उत्तर दक्षिण ट्रफ रेखा कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक से दूर अरब सागर में फैली हुई है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक RK जेनावड़ी ने बताया कि मॉनसून सामान्य से आगे बढ़ गया है और ऐसा किसी प्रणाली का पूर्वानुमान नहीं है जो अभी इसकी गति को रोक सके। उन्होंने बताया कि मॉनसून मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों, पूरे ओडिशा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार के अधिकांश हिस्सों और दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों की ओर बढ़ गया है। ये जानकारी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। हम आपको हर दिन ताज़ा अपडेट से रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहें